हेलो एंड एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। चार्जिंग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं गाइस हम इन्हीं चारों फोनों का, जो कि 25 से 30 के रेंज वाले हैं गाइस। जैसे कि आज इस चार्जिंग स्पीड की ट्रेंडिंग में गाइस हर कोई 65 वॉल्ट, 90 वॉट, 80 वॉट, 120 वॉल्ट कंपनियां प्रोवाइड कर रही है। तो क्या हम देखने वाले हैं गाइस ये क्या वाकई फास्ट चार्जिंग देते हैं या नहीं। तो गाइस हमने इसी को देखते हुए इन चारों फोनों को कंपेयर करने के लिए रखा हुआ है, जो कि ये 25 से 30 के रेंज में न्यू आते हैं गाइस। तो हम आज देखने वाले हैं कौन सा फ़ोन फर्स्ट चार्ज होता है एंड कौन सा फ़ोन स्लो चार्ज होता है, और क्या वाकई ये 65 वॉल्ट, 80 वॉल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, और क्या ये हमें फास्ट चार्जिंग करके दे सकते हैं ये फ़ोन। तो गाइस जैसे कि ये वन प्लस का नॉर्ड सी 2 है, जो कि 65 वॉल्ट चार्जर के साथ आता है। IQ का Z6 Pro है, जो 66 वॉल्ट के साथ आता है। एंड IQ का नियो 6 है, जो कि 80 वॉल्ट चार्जर प्रोवाइड करता है। एंड वीवो का V23 है, जो 44 वॉल्ट देता है। तो गाइस हम इनको कंपेयर करके दिखाने वाले हैं आज कौन सा फ़ोन फर्स्ट चार्ज होता है और कौन सा फ़ोन स्लो चार्ज होता है और कौन सा फ़ोन हमारे लिए बेस्ट है 25 से 30 के रेंज। जैसे कि वन प्लस में हमें 45 mAh बैटरी मिलती है, एंड IQ में हमें 47, और IQ नियो 6 में भी हमें 47 mAh बैटरी मिलती है, एंड वीवो में 42 mAh बैटरी मिलती है। तो गाइस हम इन चारों ही फ़ोनों को चार्जिंग स्पीड टेस्ट की। गाइस वीडियो हो चुका है खत्म, कंपैरिजन हो चुका है खत्म, एंड सारे फोन फुल चार्ज हो गए हैं। IQ है यहाँ पे विनर, वन प्लस नॉट सी ने काफ़ी टक्कर दी, दोनों ही लगभग सेम टाइम में फुल चार्ज हुए। एंड वीवो ने दिया है काफ़ी डिसअपॉइंट, जो कि 1 घंटे के ऊपर चार्जिंग टाइमिंग ले लिया है। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।